हाय वेलकम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ कि पिज़्ज़े मैंने पहले भी बना कर लगाए हैं। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा मैंने बनाया है, उसके बाद मैंने और पिज़्ज़े मैंने बनाए हैं, उनको मैंने लिंक्स में मैं दे देता हूँ। और आज का जो मेरा पिज़्ज़ा है, चैलेंज पिज़्ज़ा बनाने का तरीका, तो ये जो चैलेंज पिज़्ज़ा है इसको मैं सिंपल रेसिपी के साथ बनाऊंगा, फ्राई पैन के अंदर बनाऊंगा, और बनेगा भी ये क्विक, इजी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपने इसको शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, क्योंकि लाइक और कमेंट आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, साथ शेयर भी। इससे एक तो मेरा चैनल ग्रो होगा, दूसरा मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। ब्लैक ओलिव, कैप्सिकम, यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, ये मैंने मोजरीला चीज़ और टमाटो स्लाइस मैंने ले लिया इनकी कटिंग की। तो अब हमने इस में दे देता हूँ, यहाँ टाइम की बचत के लिए हम काम शुरू करते हैं बिना वेस्ट टाइम के। अब यहाँ पे मैं इस रोटी को बढ़ाता हूँ ऐसे, ये देखें हमने यहाँ से इस तरह। एक तो ये होगा कि फ्राई पैन के अंदर पिज़्ज़ा आपका बहुत जल्दी पकता है, टाइम आपका। इस रोटी को किसके अंदर पकाना है? फ्राई पैन के अंदर। ये होगा कि हमारी रोटी जो है वो नीचे नहीं, एक साइड हमने इसमें पका लेनी है, इससे फिर देखें ना हमारा टाइम भी बच जाएगा और चीज़ भी आपको जल्दी सर्व हो जाएगी, क्विक सर्विंग। और ये जो हमने रोटी अभी बना ली है इसके ऊपर, उसको आपने इसके अंदर अब डाल देना है, ठीक है। अब ये हमने फ्राई पैन के अंदर रोटी को हमने डाल दिया, और आप ऐसे ऐसे भी इसको कर सकते हैं, कर देते हैं, ये इससे हम लगा सकते हैं बगैर किसी चीज़ के। हम इसको ऐसे थोड़ा सा झटका देंगे, ये देखे कैसे बनी है वो। ये हम चीज़ लगा रहे हैं इसमें, ठीक हो गया। इस तरह चीज़ को आपने बिछा देना नीचे, इसमें हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये लगाया, ठीक हो गया। तो इसमें हमने पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगानी, ठीक है। ये तो नीचे लग गया। अब हमने अपने जो है ना जल्दी जल्दी से, ये जो हमारे पास ये पड़े हैं शिमला मिर्च, ये लगानी शुरू करनी है। ये ऐसे रखते जाएं, और ये देखें रोटी के ऊपर कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो साथ में आप अपने टमाटर रखते जाएं, ये ठीक हो गया। ये टमाटर रख दिए हमने, और जहाँ पर हमने कैप्सिकम लगा दिए। अब ये इसके अंदर इस तरह लगा दें, प्यारे लगे, ठीक हो गया। अब ये तो हमने चीज़ें लगा दी हैं। अब इसके ऊपर जो हमारा चिकन ये वाला पड़ा है, ये हमने लगा देना है ऐसे, ये देखें, ठीक हो गया। चिकन को हमने ऐसे फैला देना है ताकि पिज़्ज़े के हर साइड में यही रहे। और आप देखेंगे एक तो ये पिज़्ज़ा बहुत जल्दी बन रहा है, दूसरे ये कितना मज़ेदार बनेगा। आपने नीचे से मैं आपको दिखाऊंगा, ये पिज़्ज़ा चलेगा नहीं ये बिल्कुल भी। इसकी क्या वजह है कि हमने एक साइड इसकी पका ली, दूसरी साइड पे नहीं हमने इसको वो किया। अब हमने अपने जो ब्लैक ओलिव है ये हमने ऐसे लगाते जाने हैं, ठीक है। इतनी ये लगा दिए, अब ये जो चीज़ हमारे पास बची है इसको ले के आए, यहाँ पर भी लगाएं, यहाँ पर भी लगाएं, इधर भी लगाएं, इधर भी लगाएं, इधर भी लगाएं, यहाँ पर भी लगाएं, ठीक हो गया। क्यों, कितना खूबसूरत पिज़्ज़ा लग रहा है ना, मज़ेगा। कि इसमें आप सोच रहे होंगे कि पिज़्ज़े में मैंने सॉस नहीं लगाई, क्या वजह हुई है कि मैंने सॉस क्यों नहीं लगाई? अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने इसमें सॉस क्यों नहीं लगाई। क्योंकि हम यहाँ पर इसमें डालेंगे थोड़ी थोड़ी हमने ब्लैक पेपर, ये थोड़ी ब्लैक पेपर डाल दी हमने, थोड़ी सी हमने इसमें वाइट पेपर भी डाल दी, ठीक है।
अब हमें थोड़ी सी ये वाइट पेपर आ गई है, अब ये उसमें मज़ा करेगी ज़बरदस्त। तो हमारा तवा भी फुल गर्म हो चुका है, चीज़ भी लग चुकी है, और जो हमारे ब्लैक होल बच के हैं हमने ये भी इनके ऊपर ऐसे लगा देनी है। ठीक हो गया। अब हमने इसको, चीज़ थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी, आप लोग ये देखें मैंने इस फुल गर्म तवे को इसके ऊपर रख दिया। ये मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, ये देखें हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है, देखा मेल्ट हो रही है ना। तो मैं इसको ये देखें ये चीज़ हमारी किस तरह पिघल चुकी है। तो अब हमने करना क्या है, चीज़ तो है ना मज़े का खूबसूरत प्यारा। अब मैं यहाँ से इसको काटता हूँ ऐसे, यहाँ से मैंने, और फिर यहाँ से इसको, अब मैंने यहाँ से देखें कि ये मैं पिज़्ज़े को ऊपर उठा रहा हूँ तो ये धागे, वाओ 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 लुकिंग सो नाइस, लॉन्ग लीजर्ड है, लॉन्ग लीजर्ड, ये देखें कितने लंबे इसमें धागे बने हैं, ना मज़े का पिज़्ज़ा। आप लोग भी ये बनाएं, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर देखना, और जो मेरे ये लंबे लंबे धागे बने हैं आपके सामने बने हैं तो अगर आ रहे हैं ये जो मैं पीस उठा, तो आप लोग इस रेसिपी को बनाएं, अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।